नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। इस वीडियो में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। यहां पर हम दो एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे। पहला कि भाई ये पीसीआर से करते क्या है, और दूसरा हम लोग काफी डिटेल से समझेंगे कि अगर हमको इसको करने की जरूरत पड़ी तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीसीआर है क्या और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो पीसीआर का इस्तेमाल हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए के लिए करते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल आपके पास डीएनए का है और आप चाहते हैं बिल्कुल उसी तरीका का मॉलिक्यूल ज्यादा नंबर में हो, तो आप पीसीआर की मदद से अपने उस मॉलिक्यूल्स डीएनए के नंबर को बढ़ा सकते हैं। अगला जो चीज है कि इसको किसने खोज किया था, कैरी मुलिस, एक साइंटिस्ट थे कैरी मुलिस, जिन्होंने इनकी खोज की थी। और एग्जामिनेशन में दो चीज काफी पूछा जाता है कि पीसीआर का काम क्या है, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए, और इसको किसने खोज किया था, कैरी मुलिस ने। अगला जो चीज है कि इनके वर्किंग स्टेप्स क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं, तो इनके लिए तीन वर्किंग स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है डिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन मतलब क्या है, 95 डिग्री पर हम लोग डिनेचुरेशन करते हैं। डिनेचुरेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके डबल स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में क्या हो जाते, अलग हट जाते हैं और वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस स्टेप्स को हम लोग डिनेचुरेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो टर्म है एनिलीन ऑफ प्राइमर। एनिलीन ऑफ प्राइमर कहने का क्या मतलब क्या हुआ कि आप प्राइमर के साथ 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर एनिलीन कर सकते हैं, मतलब कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था उस पर क्या है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइमर क्या है। प्राइमर की ही कहानी काफी महत्वपूर्ण है। प्राइमर क्या है, बिल्कुल शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए, ये भी क्या है डीएनए है लेकिन शॉर्ट स्ट्रेच, छोटा स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, जो क्या होता है काफी स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब कि अगर ये टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो बाइंड करेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो बाइंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए, जिसको हम लोग प्राइमर के नाम से कहते हैं, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस मौजूद है तो बाइंड होगा। तो एनिलीन जितने डिग्री पर करते हैं, 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन जनरल हम लोग करते हैं। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब कि सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रेंड्स। प्राइमर का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, आगे बढ़ते जाता है और नए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का सिंथेसिस होते जाता है। और सिंपल भाषा में बोलें तो प्राइमर का एक्सटेंशन होता है और उस पर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, और इस वजह से एक्सटेंशन के बाद आपके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए के बन जाते हैं। तो वर्किंग स्टेज पर तीन स्टेप हुए, डिनेचुरेशन, अलग अलग स्ट्रैंड, एनिलीन मतलब प्राइमर बाइंड किए, प्राइमर क्या, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए काफी स्पेसिफिक होते हैं। जनरली प्राइमर्स के जो लेंथ होते हैं 15 से 20 पेयर होते हैं, जितने बड़े प्राइमर के साइज होंगे उतना स्पेसिफिक होगा। और एक्सटेंशन क्या होगा, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं वो नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होकर एक्सटेंशन होता है। एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि पीसीआर का इस्तेमाल आज के समय में कहाँ किया जा रहा है। तो आजकल हम लोग इसका टेस्ट करने के लिए काफी इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं। तो कैसे करते हैं, बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सैंपल के डीएनए को लेते हैं और हमारे पास स्पेसिफिक बैक्टीरिया का प्राइमर होता है डीएनए का, कि अगर उस सैंपल में वो बैक्टीरिया का जीनोम या डीएनए मौजूद होगा तो एम्प्लीफाई कर देगा, और नहीं होगा तो एम्प्लीफाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल हम लोग आज के समय में काफी फ्रिक्वेंटली वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन करने करते हैं, और ये काफी क्विक मेथड है और काफी कम समय में हो जाता है, हार्डली 3 घंटा का समय लगता है। अब देखते हैं पीसीआर के कंपोनेंट।
कौन कौन से पीसीआर के कंपोनेंट होने चाहिए। अगर अब हम एक्सपेरिमेंटल पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है और समझना चाहता है कि कैसे एक्सपेरिमेंटली संभव होता है तो उसको कैसे करेंगे, इस बात को हम लोग समझते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना होगी, तो ध्यान से सुनते रहिए। तो आपको चाहिए क्या, डीएनए सैंपल चाहिए, कोई भी सैंपल चाहिए जो डीएनए कंटेन करता है। दूसरा क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो काफी स्पेसिफिक होते हैं किसी भी टम्पलेट डीएनए को बाइंड करने के लिए। अगर टम्पलेट डीएनए कंप्लीमेंट्री नहीं रहेगा उसका तो बाइंड नहीं करेगा। साथ साथ न्यूक्लियोटाइड चाहिए आपको। टैग पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि डीएनए का सिंथेसिस करेगा। बफर चाहिए, पीसीआर ट्यूब चाहिए और पीसीआर मशीन चाहिए। हम लोग ये भी देखेंगे कि पीसीआर मशीन नहीं है तो क्या करें। चलिए अब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंटल पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी बताया कि आपको कि अगर पीसीआर आपको करना है तो क्या चाहिए, डीएनए का सैंपल चाहिए, प्राइमर चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, टैग पॉलीमरेज चाहिए, बफर मिक्स चाहिए और पीसीआर ट्यूब चाहिए। और सारों को हम लोग एक एपेंड ऑफ ट्यूब में डाल देंगे। अब अगला सवाल उठता, कितना डालें भाई। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमको पीसीआर का रिएक्शन वॉल्यूम तैयार करना है 25 माइक्रोलीटर के लिए तो कितना हम लोग डालेंगे। तो हम लोग डीएनए जो टेम्पलेट है डालेंगे 1 माइक्रोलीटर। कितना डालेंगे, 1 माइक्रोलीटर। ठीक उसी तरीके से जो डीएनए प्राइमर है हम लोग डालेंगे कितना, अगर 25 माइक्रोमोलर का है तो हम लोग 0.5 माइक्रोलीटर हम लोग डालेंगे। तो हमने दो चीज डाल दिया, क्या क्या डाला, डीएनए टेम्पलेट डाला 1 माइक्रोलीटर। जनरली ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर कि डीएनए का टेम्पलेट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है। यूजुअली हम लोग 20 नैनोग्राम टू 30 नैनोग्राम जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मिनिमम लेते हैं, और उसके बाद हम लोग प्राइमर का कॉन्सेंट्रेशन जो वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन है 25 माइक्रोमोलर, तो उसमें से हम लोग क्या लेंगे, 0.5 माइक्रोलीटर। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो प्राइमर है रिवर्स प्राइमर, 25 माइक्रोमोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो 0.5 माइक्रोलीटर हम लोग लेंगे। डीएनटीपी जो हम लोग लेंगे 1 माइक्रोलीटर लेंगे, उसका वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10 मिलीमोलर। सारे डीएनटीपीज का जो क्या है, ए टी जी सी कंटेन करेगा, 10 मिलीमोलर है तो 1 माइक्रोमोलर लेंगे। और 10x बफर 10x कॉन्सेंट्रेटेड है और 25 माइक्रोलीटर के लिए बना रहे हैं तो 2.5 माइक्रोलीटर हम लोग लेंगे। ठीक उसी तरीके से टैग पॉलीमरेज हम लोग कितना लेंगे, 0.5 माइक्रोलीटर। अगर एक यूनिट का कंटेन किए हुए है मतलब, तो हमको 0.5 यूनिट लेना है तो 0.5 माइक्रोलीटर लेंगे। अगर टैग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 यूनिट पर माइक्रोलीटर, तो हम लोग 0.5 यूनिट लेते हैं, 0.5 माइक्रोलीटर। और फाइनल एडिशन डबल डिस्टिल करके हम लोग 25 माइक्रोलीटर को पूरा कर देते हैं। तो ये तरीका हुआ रिएक्शन मिक्सचर बनाने का। तो आप आसानी से डिफरेंट कंपोनेंट को आप डाल सकते हैं, और डालने के बाद आपने क्या किया, पीसीआर मशीन में डाल दिया। और पीसीआर मशीन में डालने के बाद काफी आप रिएक्शन सेट कर सकते हैं, जैसे स्टेप 1 95 पर 30 सेकेंड, जिसको डीनेचुरेशन भी बोल सकते हैं, 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकेंड एनिलीन कंडीशन बोल सकते हैं, और 72 डिग्री पर 30 सेकेंड एक्सटेंशन। अब ये टाइम बहुत जरूरी है कि कितना देर के लिए एक्सटेंशन करें, ध्यान रखना है। अगर हमको 1 किलो बेस पेयर का साइज का एम्प्लीफिकेशन करना है और उसका जो रेट है, जो डीएनए सिंथेसिस एडिशन का टैग पॉलीमरेज का रेट है, अगर 100 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट ऐड कर रहा है तो हम लोग 1 मिनट के लिए रखेंगे। अगर हमारा इस कंडीशन में 500 बेस पेयर का था इसलिए हम लोग 30 सेकेंड रखें। अब देखते हैं क्या कि गो टू स्टेप 1, मतलब इस कंडीशन को हम लोग रिपीट करेंगे कितने देर के लिए, 30 टाइम्स के लिए, और लास्ट में 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट, इसको हम लोग फाइनल एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपने किया क्या, सारे रिएक्शन को मिक्सचर को बना दिया, एक ट्यूब में डाल दिया और थर्मल साइकलर में डाल के, और आपने क्या किया, रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, और आपका करीब 2 से 2.5 घंटा में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट करने के बाद आप जेल पर चला के देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनती है।
तो हम देखते हैं कि पीसीआर हमने चलाया, चला के देखा कि हमारा एक बैंड आया है, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा, ये जो कंडीशन था बिल्कुल सही कंडीशन था, हमारे टेम्पलेट को बिल्कुल इस प्राइमर ने बाइंड किया। अगर उस कंडीशन पर हमने देखा क्या, दो तरह की परिस्थिति, या तो प्राइमर डाइमर बन रहा है और साथ में नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी बन रहा है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी कुछ और दूसरे बैंड भी बन के आ गए, तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे। तो इसको हटाने का दो तरीका बहुत काफी सिंपल है कि आप एनिलीन टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाइए। एनिलीन टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाइएगा 55 से 57 करिए, तो उस पर नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग जो आपका डिसअपीयर हो जाएगा। तो एनिलीन टेम्परेचर को बढ़ाना है और थोड़ा समय को घटाना है, तो इससे क्या नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग कम जाएगा। और दूसरा क्या तरीका है, या तो प्राइमर के लेंथ को भी आप बढ़ा सकते हैं, प्राइमर के लेंथ बढ़ने से भी आपकी स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। अब अगला जो चीज सवाल आता है, बहुत सिंपल तरीके का एक सवाल आता है, अगर थर्मोसाइक्लर पीसीआर मतलब पीसीआर मशीन नहीं है तो आप क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको तीन डिफरेंट तरह का हॉट वाटर बाथ लेना है, एक का 95 डिग्री टेम्परेचर, 55 दूसरे का, तीसरे का 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से ट्रांसफर को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर किसी भी तरीके का पीसीआर में प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं 6202692436। इसमें हमारा काफी अनुभव है, हमने पीसीआर के मदद से काफी क्लोनिंग भी किया है और जीन का मैपिंग भी किया है, हो सकता है मेरा अनुभव आपके काम आएगा। थैंक यू।